गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बस अभी मैं सुबह सुबह अभी जो है सबको बनाए खिलाई हूँ, और अभी मैं फुर्सत नहीं हुई हूँ क्योंकि अभी मेरा मेरा रोज़ का डेली का ही रूटीन है। सचमुच कभी कभी तो हम लोग उब जाते हैं, हम लेडीज़ रोज़ रोज़ वही सब, वही सारा दिन वही काम, कुछ नया नहीं होता ना। तो अभी ये देखिए टीवी चल रही है, कपिल का शो आ रहा है, तो मैं इसको देख रही थी। और अभी मैंने अपने सास ससुर को बनाया खिलाया और झाड़ू पोछा की हूँ, देखिए घर एकदम से क्लीन हो गया है। और हाँ, यहाँ पर मुझे कमेंट्स आया है कि यहाँ पर मैं पर्दा लगा दूँ, तो जी हाँ, मैं ज़रूर पर्दा लगाऊंगी। सचमुच उन्होंने मुझे बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो मेरी अपनी खास है, मेरी फ्रेंड है, मेरी सिस्टर है, कुछ भी मतलब आप लोग समझिए। तो जो फ्रेंड बन जाती है ना, तो वो एक अपनी बहन की तरह ही हो जाती है। और ये देखिए, तो यहाँ पे मैं पर्दा लगाऊंगी ज़रूर, लेकिन अभी मैं मार्केट नहीं जा पा रही हूँ, तो जब जाऊँगी तो ज़रूर पर्दा ले आ करके, और इस अलमारी पर मैं ये दोनों को मतलब पर्दे से कवर कर दूंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जहाँ कुछ कमियाँ हो जो मुझे बताएंगे, तभी तो मैं समझूंगी कि क्या चीज़ मुझे करना चाहिए। तो ठीक है, अभी मैं जस्ट अपने सास ससुर को खाना बना करके दी हूँ, वो लोग खा लिए हैं, और बेटा मेरा खा लिया है, बस मैं भी जा रही हूँ खाने। और अभी मेरा बर्तन वगैरह सब पड़ा है। मैं सोच रही थी आज धूप में बैठूँगी, लेकिन धूप सुबह तो बिल्कुल समय नहीं मिलता धूप में बैठने का, बस वही दोपहर में ही मुझे समय मिलता है। तो चलिए मैं अभी खाना खा लेती हूँ, और मुझे अपनी दवा भी खानी है। ठीक है, रखते हैं, फिर अभी मिलते हैं, बाय बाय। और आप लोग को एक गाना सुनाएं, मुझे ये गाना बहुत पसंद है, राजस्थानी। सुनिए, चुंदरी जयपुर से मंगवाई, ये में सोने की गिरवाई। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बस मैं अभी सुबह सुबह सबको बनाई खिलाई हूँ, और अभी अपने छोटे बेटे को भी खाना दी, वो भी खाया, और मैं अभी देखे सारा क्लीन करके रख दी हूँ। और ये छोटा वाला बेटा ना मेरा, जो चीज़ जहाँ करता है बस वही रख देता है। ये देखिए, रुमाल से पोछा बस ऐसे ही फेंक दिया, मैं इसी को धरती उठाती रहती हूँ। तो बस अभी झाड़ू पोछा मेरा सारा हो गया है, खाना सब लोग खा लिए, मैं भर नहीं खाई हूँ क्योंकि मैं अभी सुबह जो है चाय खाई, चाय सॉरी चाय पी थी, और बिस्किट जो है दो खाई थी उसके साथ, और फिर एक एप्पल, एक्सरसाइज योगा करने के बाद एक एप्पल खा लिया। तो बस अभी भूख लगी है, अब जा रही हूँ मैं खाना खाने। और मेरा भी और आधा काम हो गया, आधा काम पड़ा है, बर्तन पड़ा है, कपड़े पड़े हैं, तो बस अभी मैं खाना खा लूँगी, पहले अपनी पेट पूजा फिर काम गुजा। तो चलिए अभी खाना खा लेते हैं, और फिर मुझे क्योंकि दवा खानी रहती है ना, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ खा करके दवा खाना होता है। और धूप बहुत अच्छी है, आज सोच रहे थे कि धूप में बैठूंगी, लेकिन समय नहीं मिला। और ये देखिए कपिल शर्मा का शो आ रहा है, और मुझे अच्छा लगता है इनका शो, तो बस वही देख रही थी। तो चलिए अभी खा लेती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं, बाय। गुड आफ्टरनून। तो बस अभी जस्ट मैं अभी नहा करके आ गई हूँ, और बाहर वॉशिंग मशीन में कपड़े डाली थी, धो रही थी, तो अभी मैं उसको डाल करके बाहर आई हूँ। और इतने बंदर आए हैं ना हम लोगों के यहाँ, बहुत ज़्यादा बंदर आते हैं, इतना कि कुछ कहने को नहीं, पूरे छत में। और मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था ना, मैं गेहूँ पर आई थी, क्योंकि उसमें जो है बहुत पाई पड़ गई थी, तो मैं 2-3 दिन से छत में ही डाली हूँ। और उस मतलब पूरे वहाँ पे झुंड पे झुंड है, मतलब हिम्मत नहीं पड़ रही कि जाके उसको निकाल लाए। और अभी मैं सारे काम करके फुर्सत हो गई हूँ, कपड़े उपड़े बर्तन उर्तन सब धुल ली हूँ, अभी मैं फुर्सत हो गई हूँ, तो बस अपने बाल को झाड़ रही हूँ। और मेरे बाल ना मतलब गीले हो गए थे तो, और उलट जाते हैं, तो बस मैं सोची चलो इसको सुलझा लेती हूँ। उसके बाद अब मेरे सारे काम हो गए थे, बस मैं नहा, मेरा रोज़ का ही यही डेली का ही रूटीन है, कोई नई बात नहीं है। तो बस चलिए मैं बाल को अपने झाड़ लेती हूँ, और मैं ज़्यादा कुछ पाउडर वगैरह उस तरह नहीं लगाती हूँ। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैं सिंदूर लगा रही हूँ, और हर लेडीज का होता है ना, जब नहा लेती हैं तो चाहे बाल धुले चाहे ना धुले, लेकिन सिंदूर ज़रूर लगाना चाहिए, ये मतलब होता ही है।
तो बस यहाँ पर ये देखिए ग्लिसरीन मैं अपने पैरों में लगा रही हूँ, क्योंकि सुबह तो एक बार लगाती हूँ लेकिन फिर नहाने वहाने के बाद भी लगा लेती हूँ ताकि पैर की एड़ियाँ मुलायम बनी रहे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी पैर की एड़ी बहुत ज़्यादा फटती है, तो इसलिए मैं डेली मतलब ग्लिसरीन लगाती हूँ, पैर की एड़ियों में भी लगा लेती हूँ और हाथ में भी लगा लेती हूँ। और सच में जब पूरा काम करके फुर्सत हो जाए ना नहा धो ले, तो सच में ऐसे लगता है जैसे मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। तो बस यहाँ पर मैं ओठ में अपने नेविया जो मॉइस्चराइज लिप बॉम आता है तो बस वही को लगा रही हूँ मैं, ताकि मतलब ओठ मुलायम रहे। और मैं ठंडी में ज़्यादा लिपस्टिक वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, तो यही लिप बॉम ही लगाती हूँ ताकि ओठ में नमी बनी रहे। और ओठ ना सबसे ज़्यादा फटते हैं, हवा चलती है तो भी मेरे ओठ बहुत ज़्यादा मतलब रूखे हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर ये देखिए मेरा सारा काम हो गया, मैं अपना बाल वाल भी झाड़ ली। हेलो, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब लोग? तो बस अभी मैं सारे काम करके फुर्सत हो गई हूँ और बस अभी जा रही हूँ, क्योंकि ये हमारा 1:30 बजे का टाइम जो है अप्रेस पीने का होता है। तो चलते हैं, पानी गर्माते हैं और पीते हैं, और अभी मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, फिर आप लोगों से इवनिंग में बात करूँगी। तो चलिए आज थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, क्योंकि थक गई हूँ। और अभी बर्तन वर्तन कपड़े वपड़े पड़े थे तो सब अभी वॉशिंग मशीन में मैंने सारा धुला, ड्रायर किया, फिर बाहर डाल करके आई हूँ। तो चलिए पानी गर्मा लेते हैं, आप फ्रेश पी लेते हैं, फिर मिलते हैं। हेलो, तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से बताया था कि मेरा 1:30 बजे 1:30-2 बजे क्या टाइम क्या कोई फिक्स नहीं होता, जब मैं दोपहर में रिलैक्स हो जाती हूँ मतलब सारे काम से फुर्सत हो जाती हूँ तो फिर अप्रेस पीती हूँ। तो बस ये देखिए मैंने अभी बनाया है और ये पी रही हूँ, ये तो मेरा रेगुलर रूटीन बन गया है और इसको मुझे दोपहर में चाहिए ही, और जब मैं फुर्सत होती हूँ ना तभी इसको पीती हूँ। और क्योंकि इस समय थोड़ा सा मैं डाइटिंग पर हूँ क्या, लेकिन वेट अभी तो कम नहीं हो रहा है बिल्कुल। और सुबह मेरा रूटीन यही है कि सुबह एक गिलास गर्म पानी, उठते ही पहले थायराइड की गोली खाती हूँ, उसके बाद गर्म पानी पीती हूँ और यही अप्रेस डाल करके, उसके बाद चाय, आधे घंटे बाद चाय, बिस्किट, टोस्ट जो भी मिला खा लेती हूँ, उसके बाद एक रोटी सब्जी दाल खा लेती हूँ, फिर उसके बाद दोपहर में फिर ये अप्रेस पीती हूँ, शाम के समय इवनिंग में मैं चाय पीती हूँ, चाय के साथ कोई भी स्नैक ले लेती हूँ, नमकीन हुआ, कुछ भी हुआ उसके साथ, चना हुआ, कुछ भी। और फिर रात में वही एक रोटी और सब्जी, बस इतना ही मेरा है जो है रूटीन, लेकिन अभी तो कुछ कम नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, मेरा जो है 77 kg तक वेट मेरा पहुंच गया था, तो आज मैं सुबह सुबह अपना वेट तौल रही थी तो 75.6 बता रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा थोड़ा थोड़ा जा रहा है वेट। और सच में थोड़ा सा वेट चला जाए ना अच्छी बात है, क्योंकि बीमारियों से इंसान बचा रहता है और मोटापा कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। और मैं आप लोगों से बताऊं, मैं रेगुलर तो पेपर नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन हाँ फ्राइडे का पेपर ज़रूर पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे उसमें ये जो निकलता है रूपायन, ये देखिए इसको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी होती हैं, तो मैं इसको फ्राइडे में न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ती हूँ। तो बस अभी न्यूज़पेपर मैं बाहर से लेके आई हूँ, मेरे ससुर जी पढ़ रहे थे तो मैंने कहा चलो पढ़ लेते हैं, ढूंढ रही थी क्योंकि फ्राइडे का मैं न्यूज़पेपर पढ़ती ज़रूर हूँ। और क्यों पढ़ती हूँ, इसकी वजह से पढ़ती हूँ रूपायन। और पता है मुझे मतलब कोई भी ये मैगज़ीन वगैरह पढ़ना बहुत पसंद है, मगर यहाँ मेरी करवी में, मैं जब इलाहाबाद में थी ना अपने मम्मी के यहाँ, तो मैगज़ीन बहुत पढ़ती थी, क्योंकि हमारे वहाँ स्कूल में और मैं जो है इलाहाबाद से ले आती थी, वहाँ बुक स्टोर में मिला करती थी मैगज़ीन वगैरह, तो मैं अक्सर मैगज़ीन ले आती थी, सरता पढ़ती थी, मनोरमा पढ़ती थी, मैगज़ीन पढ़ना मुझे बहुत पसंद था। लेकिन यहाँ मिलता नहीं है, इतना ज़्यादा कोई फेमस नहीं है यहाँ पर, नॉवेल वगैरह नहीं मिलता है, तो यही मिल जाता है, इसी से काम चला लेते हैं। तो चलिए मैं अब फ्रेश अपना ख़त्म कर लेती हूँ और मैं थोड़ा थकी हूँ तो मैं अभी आराम करना चाहूँगी, अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों से बात करूँगी। और मेरी हैबिट पड़ गई है कि मैं दोपहर में आप लोगों से जब तक बात नहीं कर लेती ना, मुझे पता नहीं चैन नहीं आता है, मुझे ऐसे लगता है कोई तो है दोपहर में जो मैं बात कर लूँगी, मेरे साथ मैं उनके साथ अपनी हर चीज़ें बातें शेयर कर लूँगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए पेपर पढ़ लेते हैं, देखते हैं देश दुनिया में क्या हो रहा है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। यहाँ पे ये देखिए आज मैं कॉफ़ी बना रही हूँ और मैं पका के ही कॉफ़ी बना रही हूँ, तो चलिए आज आपको मैं शाम को अपनी
तो बस अभी शाम के जो है 4 बज गए हैं, और जैसा कि मैंने दिखाया मैं आज कॉफ़ी बना रही हूँ। तो आज क्योंकि आज कॉफ़ी पीने का मन है, रोज़ रोज़ चाय पी करके मन उब गया है, तो मैंने सोचा चलो आज कॉफ़ी बना लेती हूँ। तो बस वही अभी मैं कॉफ़ी चढ़ाई हूँ। और ठंडी में ना, ठंडी में क्या होता है ना, कॉफ़ी ही अच्छी लगती है, चाय की अपेक्षा कॉफ़ी अच्छी लगती है। ये देखिए सब गिर रहा है चूहे की वजह से, हमारे यहाँ चूहा बहुत परेशान कर रहा है इस समय, इतना परेशान कर रहा है कुछ कहने के नहीं। और आज मैं जो है चने की भाजी बनाऊंगी, तो ये लाए हुए हैं, तो आज मैं चना की भाजी बनाऊंगी और जा रही हूँ इसको काटने। और आज मैं अपने इलाहाबाद की तरीके से भाजी बनाऊंगी, तो मुझे अच्छी लगा करती है, रोज़ रोज़ तो मैं यहाँ की तरह ही बनाती हूँ। तो लेकिन आज, और ये देख रहे हैं आप लोग, ये आइस ट्रे रखा हुआ है, दिख रहा है आपको, ये मैं यहाँ से लगा हुआ था तो फिर मैं ले आई थी, तो अभी तो इसका काम नहीं है, तो लेकिन मैं इसको ऊपर रख दी, और इसके ऊपर ये मेरा छोटा सा नन्ना सा ट्राईपॉड रखा है। तो चलिए अभी मेरी कॉफ़ी बन रही है, पी लेते हैं मैं और मेरा छोटा वाला बेटा और हमारी सास। चलिए आपको मिलाते हैं, अपनी सास से बाहर बैठी हुई हैं, देखिए हमारे ससुर हैं कि नहीं, नहीं होंगे तो भी बुलाऊंगा, नहीं है कहीं गए हुए हैं। तो ये देखिए मैं बाहर आ गई हूँ बरामदे में, बाबा नहीं है क्या, बाबा नहीं है क्या, बाबा तो माछी माछी पागल है, माछी तो तुम्हें मेज में रही है, मेज में खाए पिए रही हो, से वो मक्खी बिन भी नात रही, तुम देखते ना हो वे दाल में पड़ गई है, एक ऐसी बैठ के खाते तो ना पड़ती, वो कैसी खात रही हो ना बैठ के, वहाँ मक्खी लागत थी, नहीं वही मैं सब पी गए हूँ, दार भर रह गए रही है, तो वही का पानी जा के पिया जा रहे, वहाँ तो मक्खी पड़ गई, आँखी देखान वो मही तो मखाई कहा है, मक्खी आ रही है, तो मक्खी पड़ी रही है। बस यहाँ पर ये देखिए मेरी कॉफ़ी बनके तैयार है, और वैसे तो कॉफ़ी छानी नहीं जाती है, लेकिन क्या है ना, मैंने थोड़ी सी इसमें चाय पत्ती भी कॉफ़ी में डाल दी थी, क्योंकि आज मेरी चाय पत्ती ख़त्म थी, तो मैंने सोचा चलो कॉफ़ी बना देती हूँ। तो मैं यहाँ पर ये कटोरी में छान करके तब कप में डाल रही थी, क्योंकि छन्ने में जब डायरेक्ट छाने ना तो थोड़ी बहुत चाय बाहर आ जाती है, तो चलिए इसको इग्नोर करिएगा। तो मैंने कहा चलो मैं ऐसे छान देती हूँ कटोरी में करके, फिर ग्लास और कप में डाल देती हूँ। तो ये चीनी मिट्टी वाले कप ये मेरी सास की है, क्योंकि वो ग्लास में नहीं पी पाती, और ये यहाँ पर मैंने अपने लिए कॉफ़ी निकाल ली है और एक गिलास है, तो ये मैं अपने छोटे वाले बेटे के लिए इसमें निकालूंगी। तो वो क्या है ना, हम लोग चीनी कम पीते हैं, और मेरा छोटा वाला बेटा है ना, चाय हो चाहे कॉफ़ी, उसको चीनी चाहिए ही चाहिए ज़्यादा, अगर कम रहता है तो फिर वो पीता नहीं है। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैं चीनी डाल रही थी, मैंने कहा चीनी डाल के थोड़ा सा इसको पका दूँ, फिर उसके लिए मैं छान दूँगी। तो बस यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा चीनी मतलब पक जाएगी, घुल जाए उसमें मिल जाए, तो फिर मैं इसको अपने छोटे वाले बेटे के लिए भी डाल दूँगी। और हम लोग कॉफ़ी बनाने का तो कई तरीके होते हैं, लेकिन आज मैंने इसी तरह बनाया है, तो क्योंकि कॉफ़ी अच्छी लगती है ठंडी में जो है, और मुझे कॉफ़ी पसंद है, और पता है मेरा बड़ा वाला बेटा कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाता है, उसके हाथ की कॉफ़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगा करती है। तो लेकिन कोई बात नहीं, मुझसे जैसे बनता है मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने छान दिया है, और ये अपने छोटे वाले बेटे के लिए ये पक गया है, तो अब अपने छोटे वाले बेटे के लिए भी मैं छान दूँगी। तो और आज हमने नमकीन बिस्किट कुछ भी नहीं लिया है, क्योंकि कॉफ़ी के साथ तो नहीं अच्छा लगा करता है, ऐसे ही कॉफ़ी अच्छी लगती है। तो ठीक है, यहाँ पर ये देखिए मैंने छान दिया है, और हम लोग कॉफ़ी ना थोड़ा ज़्यादा पीते हैं, कम नहीं पीते हैं, जब तक आधी गिलास से ऊपर ना हो चाय और कॉफ़ी तो मन ही नहीं भरा करता है। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैं छान दी हूँ, और ये देखिए पता नहीं छन्ने से जब भी चाय या कॉफ़ी छानो ना थोड़ी बहुत बाहर आ ही जाती है,
तो इसलिए मैं क्या करती हूँ ना, पहले कटोरी में छान लेती हूँ, उसके बाद तब गिलास या कप में मैं डाल देती हूँ। तो बाहर देखा आपको, मैंने अपने सासू माँ से भी मिलाया, तो चलिए उनसे थोड़ा सा जो है मैं आप लोगों को फिर बात भी कराऊंगी, उनकी बात भी सुनिएगा आप, ठीक है। तो चलिए मैं इसको छान ली हूँ और मैं दे देती हूँ अपने छोटे वाले बेटे को और अपने सास को और मेरी अपने लिए, आप लोग भी पी लीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए, ये रात का क्लिप है, तो यहाँ पे मैं भाजी बनाई थी तो मैंने शेयर नहीं किया, मैंने कहा चलो मैं दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मेरी चने की भाजी पक गई है और मैंने काट के रख लिया था, फिर मैंने इसको पानी में बॉयल कर लिया। बॉयल करते करते जब पानी इसका सूख गया ना, तो फिर मैंने उसमें थोड़ा सा आटा डाला है। आटा आप चाहे कोई भी डाल सकती हैं, चने का भी डाल सकती हैं, गेहूँ का भी डाल सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर गेहूँ चने का आटा डाला था, तो बस जब सूख गया है तो मैंने तेल डाल के लहसुन मिर्चा हींग में छौंका लगा दिया। तो बस ये जब सौंधापन इसमें आ गया तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, तो बस मेरी भाजी बन के तैयार है। देख लीजिए, ये मैंने आज अपने इलाहाबाद के स्टाइल में भाजी बनाई है, तो आप लोग भी खा लीजिए। और सच में भाजी बहुत अच्छी बनी थी, हम लोगों ने खाया तो जाने दो, आप लोग भी खा लीजिए। नमस्ते जी। तो बस मैं अभी आटा लगा करके बस रोटी बनाऊंगी, तो और सच में मेरी बच्ची को भी बहुत पसंद आई और मुझे भी। और ये ना सुबह हम बासी खाएंगे और बासी तो बहुत ही अच्छा लगा करता है, चावल के साथ तो खैर बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है, रखते हैं सब, आप लोगों को गुड नाइट, शुभ रात्रि। और आप लोग भी खाना पीना खा लिए होंगे, सच में ठंडी पड़ रही है ना, तो खाना पीना खा के जल्दी से सो जाओ, बिस्तर में लेट जाओ।